एवरीवन, वेलकम टू द प्रयास ई पाठशाला। मेरा नाम करुणा है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टुडेज न्यूज, और जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, देखते हैं आज की न्यूज में क्या है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, इसके बारे में न्यूज है। उसका जो ईस्ट कोस्ट रेलवे है उसको ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन से पुरस्कृत किया गया है। इस रेलवे स्टेशन को, जो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है, उसको ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से पुरस्कृत किया गया है, और ये सबसे हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग में आया है ये रेलवे स्टेशन। तो इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन का दर्जा दे दिया गया है। ये जो सर्टिफिकेशन का जो अप्रूवल देते हैं ये ग्रीन आइडियाज को यूज करने का, वो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है वो इसको सर्टिफाई करते हैं। इसमें टोटल 6 एनवायरमेंटल जो रहते हैं 6 एनवायरमेंटल क्राइटेरिया रहते हैं, जिसमें से इस रेलवे स्टेशन का जो रैंक है, जो रेटिंग है, वो 100 में से 82 है। इस रेलवे स्टेशन का रैंक आया है, इसमें जितने जो 6 क्राइटेरिया होते हैं उसके अंडर में इसका 82 रैंक आया है। इसमें जो भारतीय रेलवे के जो पर्यावरण निर्देशक है, और जो IGBC है, जो रेल इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, इनके सपोर्ट के द्वारा इसको ग्रीन रेटिंग में शामिल किया गया है विकसित करने के लिए। और इसमें बहुत सारे बेनिफिट जो रेसिडेंट्स को बेनिफिट है, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी, ये सब जो चीजें हैं, पूरा जो रेसिडेंट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनकी फैसिलिटीज के लिए, जो नेशन का कंसर्न होता है, वो सब चीजें इस रेटिंग के द्वारा इसमें प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जो ग्रीन रेलवे रेटिंग सिस्टम आया है, ये पहले जो रेटिंग सिस्टम था वो एग्जिस्टिंग जो रेलवे स्टेशन रहते थे उनके लिए रहता था ये, लेकिन अब जो नया सिस्टम लाया गया है, अब जो रेलवे स्टेशन जो रिनोवेशन में जा रहे हैं, अंडरगोइंग रिनोवेशन में है, वो भी इस ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बार का जो रेटिंग सिस्टम आया है, तो उसमें नए भी रेलवे स्टेशन इसमें अपना हिस्सा ले सकते हैं, और अपने रेसिडेंट्स को अच्छे तरीके से हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके द्वारा ये पता चलेगा कि इस रेलवे स्टेशन का क्या रैंक है, ये किस चीज में पीछे है, किस चीज में बहुत आगे है, ये सब चीजें इस रेटिंग के द्वारा पता चलेगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे डेली करंट अफेयर आपको वहां प्रोवाइड किया जाता है। अदर देन दैट, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, वहां पे भी आप विजिट करेंगे तो आपको वहां पे वन लाइनर फॉर्म में डेली करंट अफेयर मिलेगा, तो आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और चीजों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद द प्रयास ई पाठशाला। थैंक यू।